प्रोटेक्टिव टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, कोई बता सकते हो प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? एंटीवायरस, हाँ कह सकते हो। दे हेल्प, ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो फंगाई हो या फिर मैकेनिकल कुछ। यस बच्चे, बोलो बोलो। यस आदित्य, काइंड ऑफ। चलो देखते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी कैसे टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू में ही आते हैं ये भी। इनका काम क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्शन देना। अब इसमें भी आपके टू टाइप्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं मेनली। इनको आपको याद रखना है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज मेनली कितने टाइप्स के होते हैं या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कितने टाइप में डिवाइडेड होते हैं। तो उसमें आपके दो टाइप्स क्या है, एक तो है एपिडर्मिस, जिसका नाम आप बार बार सुनते भी होंगे, मे बी आपने अगर स्कूल में किया है चैप्टर, या फिर हमने भी पहले जो टॉपिक्स किए हैं उसमें शायद कभी ना कभी नाम आया होगा, या मैंने जो आपको नोट्स दिए होंगे उसमें भी होगा एपिडर्मिस। और दूसरा होता है कॉर्क। कॉर्क के बारे में आप जानते ही हो। कॉर्क से आप एक बहुत ही कॉमन चीज मुझे क्या बता सकते हो, कॉर्क का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, चलो बताओ। साइंस में कॉर्क का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, लेट्स सी। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, कुछ नहीं पढ़ा है बस, जो है स्क्रीन पर वही स्टार्ट किया बस। यस तन्वी, यस आस्था, ओके वंश, ठीक है पीयूष कह सकते हो, ओके। देखो कॉर्क का नाम आते ही मेरे दिमाग में जो आता है, जो कि दो तीन बच्चों ने भी लिखा है सब, डिस्कवरी ऑफ सेल है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल का याद है। डिस्कवरी ऑफ सेल जब की थी तो वो किस सब्सटेंस को लेकर की गई थी, क्या सब्सटेंस था उनके साथ में, उनके पास में, जिसका उन्होंने एग्जामिनेशन करके बताया था सेल के बारे में, दैट वॉज कॉर्क इटसेल्फ। तो हम उसी कॉर्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में ही वो काउंटेड होता है, बिकॉज वो आउटर एक शेल होती है जो ट्री को या प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस एंड कॉर्क, जिसको हम फेलेम के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए तो अब इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एपिडर्मिस क्या होता है, अच्छा एपिडर्मिस नाम से क्या पता चलता है, डर्म का मतलब क्या होता है, डर्मलॉट, सॉरी। यस बच्चे बोलो, एफिडेविट, नो एफिडेविट का नाम, एफिडेविट का नहीं पता चलता है बच्चे। डर्मोटोलॉजिस्ट के पास में कोई अगर गया है आप में से तो बताइए क्या काम करते हैं वो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नो डर्म, बच्चे डर्म का मतलब होता है, डर्मिस मींस डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्मा होता है एक्चुअली DERMA, जिसका मीनिंग होता है स्किन। तो इससे पता चलता है कि प्लांट में स्किन का मतलब क्या हुआ, प्लांट में स्किन का मतलब हो गया उसकी आउटर जो लेयर होती है, जैसे फूल की पत्तियों की, स्टेम की, रूट्स की, इनकी जो आउटर लेयर होती है उससे रिलेटेड होता है। इसका जो वन सेल होता है एपिडर्मिस, एक वन सेल होता है, थिक होता है और कवर्ड होता है विद क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर
एक चिकना चिकना पार्ट होता है ना, मतलब वो काफी स्मूथ होती है, लीव्स जो होती हैं काफी चमकदार और स्मूथ होती हैं। वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो उसको वाटर से, फंजाई से, इन सबसे बचाता है, तो उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। किसी ने ऑब्जर्व करा है पत्तियां इतनी चमकदार क्यों होती हैं? पीयूष, ध्यान स्टडी पर। देखा है कई बार स्टैम्प्स पर, इन सब में भी वो वैक्सी एक लेयर सी आपको दिखाई देगी, जो जिसकी वजह से पानी उनके ऊपर टिक नहीं पाता है, पत्तियां हो या कुछ भी हो, वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, उसके ऊपर वो बूंद सी बनी रह जाती है पानी की। नॉर्मल भी पत्तियां आप देखोगे पौधों की, प्लांट्स की, तो पत्तियों के ऊपर जो पानी होगा वो बूंद की शेप में होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है जैसे कपड़े के ऊपर हो जाता है। तो उसको हम, वो जो सब्सटेंस होता है वैक्सी सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ वाटरप्रूफ लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स ही उस सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो स्टैम्प्स हैं, वो सब प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद क्यूटिकल। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर, जो वो पूरी लेयर होती है वो क्यूटिकल कहलाती है, और वो लेयर किस चीज की होती है, क्यूटिन की। जो वैक्सी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटिन। इट फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल प्लेन होती है, मीन्स बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल। अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस क्या होते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यूज के कैटेगरी में आते हैं। एपिडर्मिस क्या करते हैं, एपिडर्मिस जो होते हैं वो मोस्टली क्यूटिन को सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस की लेयर बन जाती है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। किस पर, लीव्स पर एंड बाकी अदर पार्ट्स पर, किस किस पर, फ्लावर्स पर भी, स्टैम्प्स पर भी, रूट्स पर भी। ऐसा क्यों होता है, वाटर से क्या प्रोटेक्ट होने की जरूरत है, कोई बता सकते हो क्यों हमें प्रोटेक्ट करना है वाटर से? फंक्शंस देखते हैं, चलो फिर बता रहा। ओवरफ्लो नहीं बच्चे, ओवरफ्लो के लिए वो स्टोमेटा वगैरह यूज होता है, चलो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। व्हाट इज डेसिकेशन, कोई बता सकते हो, व्हाट इज डेसिकेशन? आदित्य, यस काइंड ऑफ डेसिकेशन का मतलब होता है यस कि कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देता उसको वो, ठीक है, जो पत्तियां या कुछ भी हैं उनको कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देता, बिकॉज वो वैक्सी सब्सटेंस होता है, तो अंदर से जो पानी बाहर जाना होता है ट्रांसपिरेशन टाइप, वो नहीं हो पाता, जिससे पत्तियां पूरे तरीके से ड्राई नहीं होती हैं। दूसरा होता है इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है वाटर में, बैक्टीरिया हो सकते हैं, यस शेयर, वाटर से फंजाई भी लग सकती है, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए भी ये काम करता है। दूसरा, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट के सरफेस से वाटर को लॉस होने से भी हेल्प करता है क्यूटिकल। एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल होता है वो वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन से भी हेल्प करता है, जिससे वाटर लॉस ना हो, ज्यादा ना हो, होता तो है बट ज्यादा ना हो। तीसरा, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई। ये तो हमने पढ़ लिया कि वाटर लॉस से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से भी ये एड करता है, अगर मैकेनिकल इंजरी हो जाती है तो, और पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है।
अगेन कैसे करता है ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। क्या करता है ये भी शायद कोई कोई टीचर ना करवाए, मे बी आई एम नॉट श्योर कि सारे करवाएंगे पॉइंट्स, वो सिर्फ ये बताएंगे कि ये एक वैक्सी सब्सटेंस को सेक्रेट करता है जिसकी वजह से लीव्स एंड बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन से, फंजाई से प्रोटेक्ट करती है। डेट्स इट। तो आप वैसे लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट आर फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस सेल, ये लिखा आ सकता है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन देकर कि ये कौन से सेल करता है या कौन सा टिश्यू करता है, तो उस केस में आप इसका नाम दोगे। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, जो किसको बोलते हैं जेरोफाइट्स, याद है जेरोफाइट्स, किसी को जेरोफाइट्स याद है, हमने पढ़े थे जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स जो होते हैं या फिर ऐसे एरिया में प्लांट जो होते हैं जहां पर बहुत ड्राई हैबिटेट होता है, वहां के एपिडर्मिस बहुत ज्यादा थिक हो सकते हैं जिससे कि लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो प्लांट का और वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेन एक काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नाम ही प्रोटेक्टिव इश्यू है। और किस तरह से प्रोटेक्टिव इश्यू है, ये वाटर लॉस से रिलेटेड बहुत सारे ये काम कर रहा है कि वाटर लॉस ना हो। बाकी सारे काम आप देख रहे हो। किस किस को वॉइस लो आ रही है, मैं इससे तेज तो नहीं चिल्ला सकता बच्चे, और आई थिंक मेरा नेट भी सही चल रहा है। किस किस को, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? श्रेयस, फिर तुम अपना नेट चेक करो और विच एवर डिवाइस यू आर यूजिंग। तो व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट दिस, एपिडर्मिस कौन से टिश्यूज के अंदर आते हैं या प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, एपिडर्मिस का काम क्या होता है, काम डीपली डेप्थ में जाकर नहीं बताना है, ओवरऑल बताना है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें मेन चीज है ये क्यूटिकल वाला पार्ट, इस ये रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जो लीव्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है या फिर लीव्स फ्लावर्स के ऊपर या फिर स्टेम्स के ऊपर, तो वो किस टिश्यू की वजह से होता है और वो क्यों होता है, तो वो आप बता सकते हो क्लियरली। फाइन, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा आज की मैं, अब हो जाए तो बात अलग है, समझ में ना आए आपको आप बार बार रिपीट करवाओ। तो यहाँ पर देखो ये फिगर से पता चल गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं, ये फिगर वही है जो हमने टिश्यूज सेल चैप्टर में देखी थी, जिसको किसने माइक्रोस्कोप, जो प्रिमिलरी माइक्रोस्कोप थी उसके अंडर में वाटर प्रोवाइड नहीं करा था बच्चे, वाटर प्रोटेक्शन, वाटर्स को ट्रांसपिरेट होने से बचाता है, वेपरेट होने से बचाता है प्लांट्स में। प्लांट के अंदर वाटर होता है तो जब धूप पड़ेगी उसके ऊपर तो ट्रांसपिरेशन हो सकता है, वेपरेशन हो सकता है, जिससे कि वाटर लॉस हो सकता है, तो उससे बचाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है कि वाटर लॉस ना हो प्लांट में से, प्रोवाइड नहीं कराता वाटर लॉस ना हो। प्रोवाइड कौन कराता है, वो जाइलम होता है। ठीक है, इट डजंट प्रोवाइड वाटर, इट सेव्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लॉस लॉस ऑफ वाटर, सेव्स द प्लांट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। तो बताइए ये किसने करा था माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी स्कॉर्प को, नाम तो बताओ, लेट्स सी किस किस को याद है। रॉबर्ट, नहीं बच्चे रॉबर्ट थोड़ी थे वो, पूरा सही नाम लिखना है। ठीक है तन्वी, यस रॉबर्ट हुक, यस आदित्य, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कॉर्क को, यही कॉर्क थी जिसको उन्होंने स्टडी किया था, तो उन्हें ये चैम्बर्स दिखे थे ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको सेल का नाम दिया था। सो ये कॉर्क सेल हैं छोटे छोटे से। अच्छा, किसी को याद है ये डेड सेल थे या लिविंग सेल थे, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की स्टडी की थी या फिर लिविंग सेल की? डेड सेल। तो यहाँ से पता चल गया कि जो जिस कॉर्क की हम बात कर रहे हैं इसके सेल्स कैसे होंगे, विच काइंड ऑफ सेल्स दे आर, डेड सेल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउट अंडरगो सर्टेन चेंजेस, यस कुछ चेंजेस में जाता है
अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, जो एपिडर्मिस होता है स्टेम को, उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस कर देता है, मींस उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है इस टाइप की। एपिडर्मिस था पहले, तो एपिडर्मिस ही होता है, आप देखते होंगे कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो काफी स्मूथ एंड क्यूटिन कंटेन्ड होता है। देखा है किसी ने प्लांट को ग्रो होते हुए कि पहले प्लांट में बार्क जो होता है वो पहले ही आ जाता है या धीरे धीरे करके आता है? पहले प्लांट का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, यस और नो? जब आप लगाते हो स्टार्टिंग में, है ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या थे, वो एपिडर्मिस थे। जो एपिडर्मिस है वो धीरे धीरे से क्या होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं धीरे धीरे, यस। सो अल्टीमेटली बहुत सारी लेयर्स थिक कॉर्क की वहां पर बन जाती हैं, डिपॉजिट होता जाता है, वो चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी थिक कॉर्क बन जाता है, जिसे हम बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। बार्क का मतलब सभी को पता है क्या? नहीं पता है, बताइए पहले जल्दी जल्दी। बार्क नाम से सब पता है, ठीक है, गुड। अच्छी बात है। द कॉक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन और टैनिंस। रेजिन क्या होता है, किसी को बताया? व्हाट इज रेजिन? RESIN, और टैनिंस, रेजिन क्या होता है? चलो रेजिन बताओ, व्हाट इज रेजिन? व्हाट इज रेजिन? इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा। गम पता है, जो प्लांट से गम निकलता है, गम तो देखा होगा, उसके काफी एडिबल चीजें बनती हैं, स्वीट्स भी बनते हैं, है ना। ऐसे ही रेजिन भी एक सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसको मेडिसिन्स बनाने में भी यूज करते हैं, प्लास्टिक में भी उसको यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में, तो वो कंटेन करते हैं ये। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है कॉक सेल्स में, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, रेजिन होता है, टैनिंस होते हैं, मींस प्लांट का वेस्ट मटेरियल एक तरह से। आपको याद है अभी हमने जब लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था, उसमें एक सेल पढ़ा था जो कि मेटाबॉलिज्म, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे प्लांट के, उनको स्टोर करता है। डू यू रिमेम्बर? ये हमने पढ़ा था। बताइए। राइजोजोम? नहीं बच्चे। ओके, वैक्यूल के बारे में तो पता है, वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वैक्यूल्स ही समझ लो अभी, तो वैक्यूल्स के अंदर ही वेस्ट होते हैं, वो वैक्यूल्स जब डेड हो जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, तो उनमें ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के, रेजिन है, टैनिंस है, ये ही उसमें स्टोर होता है, गम भी होता है। तो हमेशा जब भी हमें ये सब चीजें मिलती हैं, आपने कभी अगर प्लांट में देखा हो, बहुत रेयर आप लोगों में देखा होगा, पहले तो बहुत कॉमन था, जो नीम का प्लांट होता है, मीन्स ट्री होता है एक्चुअली, नॉट प्लांट, और बाकी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो बार्क होती है, उसमें से मोस्टली आप देखोगे कुछ एक स्टिकी मटेरियल सेक्रेट होता रहता है अलग अलग जगह से, जिसको गोंद बोलते हैं, गम होता है।
तो उसी तरह से रेजिन भी एक स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी मटेरियल होता है जो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, प्लांट का, और वो इनके अंदर स्टोर रहता है, किसके अंदर, कॉर्क सेल्स के अंदर। कॉर्क सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ऑब्वियसली वो डेड सेल्स है, अभी बताया था। कभी आप जाओगे किसी कहाँ बोल सकता हूँ, पार्क में या फिर किसी मिनी फॉरेस्ट में, वहां पर आप बड़े बड़े प्लांट्स देखना जो ऐसे होते हैं, नीम का है, जिनके अंदर बार्क बहुत होता है, बार्क दिखता है, तो उसके अंदर में आपको पता चल जाएगा। यस आस्था, उसके अंदर आपको दिखेगा कि कहीं कहीं से कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस सेक्रेट हो रहे हैं, तो वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री है, और वो हमारे बहुत काम आते हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं बट हमारे बहुत काम आते हैं अलग अलग चीजों में। गम को हम यूज करते हैं खाने में, मेडिसिन में भी यूज होता है, और गम जैसा ही होता है रेजिन, जिसको मेडिसिन में बहुत यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में भी उसको यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, ये एक तो डेड होते हैं, और अरेंज्ड होते हैं विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। ये आपने पहले ही पढ़ा था कि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, वो आपको फिगर से ही पता चल रहा होगा, ईच सेल के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। कौन सा ट्री है वंश, वो उसका होगा चंपा का, चंपा का ट्री होगा, उसपे व्हाइट कलर के फूल आते होंगे। यस और नो, फिर कौन सा है, उसको लेटेक्स बोलते हैं, मोस्टली वो तब होता है जब आप किसी ट्री की टहनी तोड़ दोगे, किसी किसी में आता है, कैक्टस में भी निकल आता है वो, है ना, रबर के ट्री में बहुत होता है वो, रबर का ट्री होता है, रबर प्लांट उसमें से निकलता है, किसी किसी की पत्तियों को आप तोड़ोगे तो उसमें से भी निकलता है, तो लेटेक्स होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज होता है। सो सेल्स, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है आपको। यस पीयूष, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तीसरी बात, सबरीन क्या होता है, या सुबेरीन, यस बच्चे बोलो, इसको आप हाँ ये वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो ये आपके कोर्स में नहीं है, ये जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नोट्स में आप देख लेना, यू शुड बी फेमिलियर विद दिस वर्ड, हालांकि ये आपके कोर्स में है नहीं। तो आपको स्ट्रक्चर में एक तो याद रखना है कि कॉर्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, दूसरा ये कॉर्क फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल बार्क ऑफ ट्री बनाता है ना, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। जिस जिसको वॉइस लो है प्लीज अपना अपना नेटवर्क ही चेक कर लो आप, या आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो। इनके जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा प्लीज उनमें से जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं को आपको याद रखना है, यहाँ पर ये सिर्फ समझाया जा रहा है कि क्या होता है, वो कुछ वर्ड से फेमिलियर कराया जा रहा है, आपको जो याद करना है, जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है वो नोट्स में से ही पढ़ना, ठीक है, नोट्स में जो लिखा होगा वो आपको याद करना है, जो नहीं लिखा है उसे याद नहीं करना है, नॉलेज होनी चाहिए बट डजंट मीन कि आपको सब कुछ याद करना है। दिस इज जो हम स्लाइड्स पर कर रहे हैं ये एक एक्सटेंडेड आपका क्या कह सकते हैं कोर्स है, एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी क्लासेस के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, वंश डजेंट मैटर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो कल डिस्कस करेंगे, अभी ये पढ़ लो ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, चलो बताओ, व्हाट आर स्टोमेटा, इसका नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है, बहुत जगह आपने साइंस में पढ़ा होगा, व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं,
यस पीयूष, यू कैन डू डैट, बट चैप्टर में एक्टिविटीज होती हैं जो कि मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी, तो वो भी पढ़नी जरूरी है। यस वंश, वॉट आर स्टोमेटा? किसी और को पता है स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा गार्ड सेल से, यस पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स, जिसमें गार्ड सेल्स होते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। इस टाइप के लीव्स में जो एपिडर्मिस होता है वो बीच बीच में से उसमें स्पोर्स होते हैं। यस, 7th क्लास में पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा हो सकता है, वो टीचर्स कई बार बता देते हैं। तो ये पोर्स क्या काम करते हैं, कोई बता सकता है? वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज पोर्स? जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, अच्छा लीव्स को क्या कहते हैं? एक सिंपल टर्म जो होती है ट्री के लिए या प्लांट के लिए, लीव्स आर व्हाट थिंग इज फॉर प्लांट्स। लीव क्या होती है? लीव फूड बनाती है, तो दे आर किचन फॉर प्लांट, किचन, यस दे आर लाइक किचन। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट का किचन होती हैं, वहीं पर फूड बनता है। तो जब फूड बनता है तो उसके लिए गैस का एक्सचेंज भी होता होगा, यस या नो? गैसियस एक्सचेंज होता होगा, यस। तो हम स्टोमेटा का, हम नहीं मीन्स प्लांट जो होते हैं स्टोमेटा का यूज कैसे करते हैं? मेनली गैस के एक्सचेंज के लिए करते हैं, यस। मेन वर्क जो होता है इसका गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन, जिसकी भी जरूरत है उसको एब्जॉर्ब करना या फिर एक्सहेल करना, दोनों ही काम के लिए। और ये किससे बचाते हैं? ये भी ट्रांसपिरेशन से बचाते हैं, मींस पानी को लूज होने से भी ये थोड़ा सा वर्क करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी स्टोमेटा का वर्क और वाटर स्टोमेटा। एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, यानी कि पत्तियों पर जो एपिडर्मिस होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बिकॉज उसमें कहीं कहीं पर पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल से ये गार्डेड होते हैं, बाउंडेड होते हैं, और टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। इसमें दो किडनी शेप्ड सेल होते हैं, ये भी एपिडर्मिस सेल ही होते हैं, ये वाले ये एपिडर्मिस सेल है और ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, श्रिंक भी हो जाते हैं, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि ये स्वेल कब हो जाते हैं और श्रिंक कब हो जाते हैं। वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उस केस में ये बंद हो जाते हैं जिससे कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, और जब पानी ज़्यादा हो जाता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कम होने पे भी ज़्यादा होने पे भी, तो वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? द स्टोमा अलाउज गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के टाइम पर जो स्टोमेटा होता है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। अच्छा, ये बता सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस जो होती है वो एक्सहेल होती है प्लांट से? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी गैस बाहर निकलती है प्लांट से? यस, द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर निकलती है, और रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच गैसेस आर सेक्रेटेड या एक्सहेल्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो दोनों का याद रखना, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे जो प्लांट होता है वो लेता है, अंदर लेता है स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। और रेस्पिरेशन के टाइम पर जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को टेक करता है, इनटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये काम भी स्टोमेटा ही करता है।
जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मोस्टली कौन से टाइम पर होता है, नाइट में होता है या डे टाइम में होता है? ये तो आपको पता होगा, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट की जरूरत होती है, तो ये कौन से टाइम पर होगा? डे टाइम पर ही होगा ऑब्वियसली। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, बट रेस्पिरेशन अकर्स बोथ इन द डे एंड नाइट टाइम। रेस्पिरेशन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, बट फोटोसिंथेसिस रात में नहीं हो सकता। आपने कई बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से, या पुराने जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल है, वो कहते हैं कि रात के टाइम पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? क्यों नहीं जाना चाहिए? पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दैट्स बिकॉज कि रात को अगर रेस्पिरेशन होता है तो CO2 गैस, फोटोसिंथेसिस तो होने से रात रात को तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी, लेकिन रेस्पिरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है उस एरिया में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डेट्स वाई रात को प्लांट्स के साथ में सोने से मना किया जाता है, प्लांट के नीचे सोने से। हालांकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम हो। स्टिल दैट्स द रीजन कि रात को प्लांट्स के पास में जाने से मना कर दिया जाता है। तो स्टोमेटा के आपको फंक्शन पता चल गया। स्टोमेटा जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करेगा और इनहेल करेगा, और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सहेल करेगा। बट रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा। ये स्टोमेटा का काम होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स पर प्रेजेंट होता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। क्लियर है ये या नहीं? स्टोमेटा एंड उसका फंक्शन, सिर्फ कैसे करता है वो नहीं, गार्ड सेल क्या करते हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिगर आपको याद रखनी है कि ऐसी ऐसा होता है कुछ कुछ, लेकिन आपको ये क्या क्या फंक्शंस हैं वो याद नहीं रखने हैं, ईच एंड एवरी पार्ट का। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? तो स्टोमेटा में आवाज आ रही है सभी को या नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो? कल मैथ्स की क्लास में याद रखना, MCQs डिस्कस करेंगे हम टेस्ट के। चलो इसके बाद में आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या कर रहे थे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज में मोस्टली जो बात हुई थी वो हुई थी प्रोटेक्शन की, कि किस तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए। और मेन डिफरेंस जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में वो ये होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सारे एक ही टाइप के सेल्स होते हैं और एक ही फंक्शन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बंडल होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स का, लेकिन काम एक ही करते हैं। फाइन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड सिंपल परमानेंट टिश्यूज का मेन डिफरेंस क्या है? कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन एक ही होता है और उनका काम भी एक ही होता है, फंक्शन एक ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं। यस, सेल्स डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये बंडल होता है कुछ अलग अलग टाइप्स के सेल्स का, लेकिन वो काम एक ही करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, बता सकते हो कौन कौन से? अगर साइंस में रुचि है थोड़ी भी तो आपने इनका नाम बहुत सुना होगा अर्लियर क्लासेस में भी, जाइलम एंड फ्लोएम। सुना है या नहीं सुना है? जाइलम एंड फ्लोएम, किस किस ने सुना है नाम इनका या नहीं सुना है? चलो सुना है, यस। तो अगर नाम सुना है तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता भी होगा, मेन डिफरेंस कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। मेन डिफरेंस क्या होता है? जाइलम जो होता है वो वाटर को, यस वाटर के, यस बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है या करता है। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम में होता है। ओके पीयूष।
और फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल्स को करता है, जो फूड होता है वो उसको करता है। जाइलम में आप देख रहे होगे, अगर जाइलम की जो फिगर है उसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, मींस नीचे से ऊपर की साइड में। देखो पानी जो लेता है रूट से लेता है, वाटर जो होता है वो रूट से लिया जाता है ना, रूट्स ही लेती हैं प्लांट की वाटर को, एब्जॉर्ब करती हैं, और उससे फिर पानी किधर की साइड जाता है, क्योंकि किचन क्या है, किचन क्या है, वो लीव्स हैं, लीव्स कहाँ होती हैं, वो ऊपर की साइड होती हैं, तो नीचे से ऊपर की साइड में वाटर का फ्लो होता है थ्रू जाइलम, यूनी डायरेक्शनल। कभी भी ऊपर से नीचे की साइड में पानी नहीं आएगा, पत्तियां कभी भी रूट को पानी नहीं भेजेंगी। आप अगर किसी पौधे को पानी दे रहे हो तो आप कहाँ डालते हो पानी, हमेशा उसके रूट में डालते हो, पत्तियों पे तो डालने से कुछ नहीं होता। यह हो जाता है क्या, पत्तियों पे ओनली, पत्ती को एक एक बूंद हर पत्ती पे आप डाल दो तो क्या वो प्लांट सरवाइव कर जाएगा? आप रूट में बना दो, एक एक पत्ती पे ड्रॉप से पानी डाल दो, क्या वो काम कर जाएगा उस प्लांट के लिए, सरवाइव करने के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि पत्तियों से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो रूट से किया जाता है, और रूट फिर रूट से वो जाइलम के द्वारा, जाइलम के थ्रू बाकी पार्ट्स में भेजा जाता है पानी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों तक ही जाता है, जो लैटरल इसका होता है, यस ठीक है, तो दोनों साइड में इसको चाहिए होता है, लैटरल साइड्स में मींस विथ में भी चाहिए होता है, गर्थ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जाएगा पानी, साइड वेज में भी जाएगा, और मेनली तो ऊपर लीव्स तक ही जाएगा। सो जाइलम में जो पानी होता है या जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फूड तो सबको चाहिए, पत्तियां फूड बनाएंगी, फूड पत्तियां बना रही हैं, तो वो फूड पूरे प्लांट को भेजेंगी। अब प्लांट का पार्ट तो रूट भी है, वहां तक भी फूड को भेजना पड़ेगा, स्टेम भी है वहां तक भी फूड को भेजना पड़ेगा, पत्तियों के आगे ऊपर भी कुछ होगा वहां पर भी फूड को भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होता है, उसमें जो फूड है उसका फ्लो नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी होता है। ये एरोज आपको शो करा रहे हैं, ये फ्लोएम है जिसमें ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, लेकिन जो जाइलम है उसमें सिर्फ अपवर्ड्स जा रहा है। ये मेन डिफरेंस है, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, और फ्लोएम जो होता है वो फूड एंड अदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना क्लियर है दोनों का डिफरेंस? फिर हम थियोरटिकली पढ़ते हैं इनको। ओवरऑल समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? इसमें मेनली दो ही क्वेश्चंस पढ़ाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, कि एक तो ये पूछा जाएगा कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, या फिर फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आप लिख दोगे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जाइलम जो होता है उसका फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है, या किस डायरेक्शन में जाता है, तो वो आप बता सकते हो, फ्लोएम का भी बता सकते हो। दीज आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं इनके बारे में। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट हैव कॉमन फंक्शंस। ये दोनों ही टिश्यूज, ये जो टिश्यूज होते हैं ये अलग अलग टाइप के सेल्स के बने होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन कॉमन ही होता है। फाइन, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ओके, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो पहले हम देखते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड ऑल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यूज, इनका नाम वस्कुलर टिश्यूज भी होता है। टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल्स, इन ये बंडल की तरह होते हैं जिनको हम वस्कुलर बंडल बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल। मीन्स इन्हीं दोनों की वजह से जो प्लांट्स हैं वो जो डिफिकल्ट टेरिटरीज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट टफ है, वहां पर भी सरवाइव कर जाते हैं। किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से, जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से। ये एक्स्ट्रा थे दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये तो याद रखना है कि वस्कुलर टिश्यूज होते हैं या बंडल होते हैं, बाकी सर्वाइवल कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है।
तो पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम की देखो यहाँ पर थोड़ी फिगर दी हुई है और इसके बारे में बता देता हूँ। जाइलम की जो शेप होती है वो कुछ कुछ कॉर्नर से इस टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल नहीं होते ये टोटली, ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ये एक जाइलम। इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्ट करता है वाटर को। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स और एलिमेंट्स ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स। इसके भी इसमें भी फोर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? यस बताइए, पूछिए पूछिए बच्चे। पहला तो होता है ट्रेकाइट्स। ट्रेकाइट्स क्या होते हैं अभी बताते हैं। ट्रेकाइट्स होते हैं दे आर एलोंगेटेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स का मतलब है नैरो एंड एंड होते हैं इनके, इस टाइप के ये रहे। ये दो अलग अलग टाइप, दो अलग अलग ट्रेकाइट्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि इनका एंड टैपरिंग होता है तो इनके अंदर पिट्स होते हैं, ऐसे कुछ पिट्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का फ्लो होता है, ऐसे ऐसे जाता है ट्रेकाइट्स। सिंस ट्रेकाइट्स डू नॉट हैव ओपन एंड, इनका ओपन एंड नहीं होता, साफ दिख रहा है यहाँ पर ओपन एंड नहीं है, ये बंद होते हैं यहाँ से क्लोज होते हैं, तो इनके अंदर पिट्स होती हैं, पिट्स होते हैं जिससे ये वाटर फ्लो होता है। एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये कैसे होते हैं, ओपन एंडेड नहीं होते हैं, और इनके एंड्स पर क्या होती है, पिट्स होती हैं जिनकी वजह से ये वाटर फ्लो होता है। एक चीज और, कहाँ है मेरा बोर्ड, इनके ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं दोनों के ऊपर, जाइलम के भी फ्लोएम के भी। क्यों होते हैं क्या कोई बता सकता है? सपोज करो ये है एक ट्रैकाइट, ठीक है, तो यहाँ पर तो पिट्स हैं जिसकी वजह से वाटर ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर प्लांट को लेटरल वेज में भी तो पानी की जरूरत पड़ती होगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लीव्स को पड़ती है, तो वहां पर पानी कैसे जाता है, वहां पर जो वाटर होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारे ट्रैकाइट्स होते हैं या जाइलम होता है पूरा मिलाकर, उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से थोड़ा थोड़ा पानी साइड वेज में भी लेटरल वेज में भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि जाइलम और फ्लोएम में पोर्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो यस होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे ये पोर्स ही हैं जिनकी वजह से साइड वेज में भी पानी चला जाता है, फ्लो होता है, क्योंकि वाटर की जरूरत हर तरफ है, सिर्फ पत्तियों को नहीं है, सभी जगह को है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, वो उस हिसाब से ही ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन, ट्रैकाइट्स हो गए। ट्रैकाइट्स के बारे बाद में दूसरा होता है वेसल्स। दे आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। द ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द वेसल्स एलिमेंट आर पार्शली और कंप्लीटली डिजोल्व टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस चैनल्स और वाटर पाइप्स। हाँ जी, इसके बाद में वेसल्स होते हैं, जो इस टाइप के पाइप्स होते हैं, इनसे भी वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है। इसका मैं एक आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ चारों एलिमेंट्स का, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बीच में तो होता है इस तरह से वेसल, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके साइड में होते हैं ये ट्रेकाइट्स, इस तरह से, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके साथ में लगे होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी इसका एक पार्ट है।
जाइलम पैरेन्काइम है, और उसके बाद होता है फाइबर जो इनको एक क्लोज्ड पैक्ड रखता है, मींस एक स्ट्रक्चर में रखता है। फाइबर के बारे में पढ़ा था हमने, फाइबर किसका बना होता है, दो टाइप के सेल्स बताए थे, डेड सेल्स थे और साथ में फाइबर था, याद है या नहीं याद है? कौन से सेल्स में था कोई बता सकता है? फाइबर जो था, जब भी हम फाइबर की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं एक्चुअली, कौन से सेल की बात कर रहे होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, याद रखना, जब भी हम प्लांट में फाइबर की बात करते हैं, यस दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो ये स्क्लेरेनकाइमा ही होता है जो इनको पैक्ड रखता है। स्क्लेरेनकाइमा का वर्क आपको याद है, प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्ट करके रखता है या फिर एक शेप प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से कुछ होता है ये पूरा का पूरा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में देखो क्या क्या है, एक तो वेसल्स है, उसके बाद में ट्रेकाइट्स हैं, उसके बाद में यस वंश डेड सेल्स होते हैं, उनको हम डेड सेल्स ही बोलते हैं एक्चुअली। हाँ, उसके बाद में क्या होता है, पैरेन, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और उसके बाद में ये होते हैं फाइबर्स। तो ये कुछ इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर। कैसे करता है, क्या करता है, अगेन आप नहीं भी करोगे याद तो कोई बात नहीं, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो ट्रैकाइट्स होते हैं उनका ओपन एंड नहीं होता है, उनमें पिट्स होते हैं जिससे वाटर फ्लो करता है, और जो इसके वेसल्स के पार्ट्स होते हैं इनमें पोर्स होते हैं जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो याद है कि यूनिडायरेक्शनल होता है या वन डायरेक्शनल होता है। पोर्स दोनों में होते हैं, याद रखना, पोर्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। इसके मैं ना आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट क्लास से पहले जाइलम और फ्लोएम के, जाइलम के एटलीस्ट पूरे नोट्स टाइप के आपको प्रोवाइड करा दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास फ्लोएम स्टार्ट होने से पहले मुझसे पूछ लेना, क्लास स्टार्ट होते ही, कि सर हमें जाइलम में ये समझ नहीं आया। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो और एग्जाम के टाइम पे फिर आप कहते हो कि हमें तो पता ही नहीं था। जाइलम पैरेन्काइमा दे स्टोर फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल द जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। ये स्पेशल बात है, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, बाकी जो होते हैं वो डेड होते हैं। फाइन, पैरेन्काइमा आपको याद है, पैरेन्काइमा क्या होते थे? पैरेन्काइमा का मेन काम मैंने आपको क्या बताया था, पैरेन्काइमा का मेन वर्क था टू स्टोर फूड, यस। तो यहाँ पर भी वो यही काम कर रहे हैं, दे स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन, मीन साइडवेज में जो वाटर जाता है उसमें ये हेल्प करते हैं। ऊपर नीचे से ऊपर तो फ्लो हो ही रहा है पानी का, लेकिन जो साइडवेज में लैटरल कंडक्शन होगा उसके लिए भी किसी को रिस्पॉन्सिबल होना होता है। तो वो काम कौन करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा ही करते हैं। तो फूड स्टोर करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और वाटर को लेटरल वेज में भी कंडक्ट कराते हैं। ये जब आप वो पढ़ोगे, एक फाइबर का और बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि फ्लोएम में ओनली क्या चेंज आ जाएगा। फाइबर जो होते हैं मैंने बता दिया, दे आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, वो बस उसको पैक करके रखते हैं पूरे बंडल को, जो ये सारे टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं इन सबको पैक करके जो रखते हैं वो क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या फिर फाइबर। तो जो आप फ्लोएम पढ़ोगे उसमें क्या चेंज आएंगे, उसमें ये दो चीजें डिफरेंट होंगी। देखो फूड की जरूरत तो उसे भी होगी तो ये भी उसमें होगा, वो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, और सपोर्ट की भी जरूरत होगी तो उसमें ये भी होगा, फाइबर भी होगा। ये दो चीजें तो फ्लोएम में सेम रहेंगी, वहां पर बस चेंज कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा इन दोनों में आएगा, क्योंकि वहां पर वाटर नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है,
कंडक्ट फूड हो रहा है, तो फूड को कंडक्ट कराने के लिए कुछ और चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। सपोज करो ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को इधर उधर भेजता है, लेकिन यहाँ तक इसको फ्लोएम को फूड कौन प्रोवाइड कराता है, क्या आप बता सकते हो? फ्लोएम को फूड कौन प्रोवाइड कराता है? फ्लोएम को भी तो फूड को ही प्रोवाइड कराएगा, यानी कि एक बीच में जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट, तो वो जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है क्या, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, और इसमें भी क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पहले फ्लोएम कंपेनियन सेल होगा जो लीव्स से फूड को लाएगा, लीव से फूड आएगा कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल जो होगा वो फ्लोएम पैरेन्काइमा में फूड को स्टोर करेगा, और फूड फिर वहां से इधर उधर जाएगा। ये छोटा सा मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि पैरेन्काइमा इज नॉट मच डिफरेंट, उसमें सिर्फ दो चीजें स्टार्टिंग की है, ट्रैकाइट्स की जगह और वेसल्स की जगह कुछ और होंगी, ये दोनों सेम ही होंगे, बस उनका नाम क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका फ्लोएम हो जाएगा, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किसको, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के टिश्यूज को। एनिमल्स के टिश्यूज में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके नाम थोड़े से अजीब अजीब से हैं, और फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे एनिमल सेल्स को, तो कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें, ब्लड है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, नर्व सेल है। फिर उसके बाद में आपका ये दो क्लासेस आई थिंक उसमें लग जाएंगी, फिर हम उसके बाद में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज ये जो है जाइलम के तक जितना भी है इसको पढ़ लेना बुक से भी, और अगर आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है और आपको समझ नहीं आया तो प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप कि सर हमें स्कूल में ये बताया, क्या ये सही है या नहीं है, क्या कोर्स में है या नहीं है, आ सकता है नहीं आ सकता है, एंड अगर आ सकता है तो हमें समझ नहीं आया आप समझा दीजिए। जाइलम तक का आप अभी तक जितना भी आपने किया है उसमें से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप फर्स्ट, सो डैट मैं वही स्लाइड पहले खोलूँ नेक्स्ट क्लास में और आपको समझा दूं, उसके बाद में हम फ्लोएम पर स्टार्ट करेंगे, फ्लोएम के बाद में फिर हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। सो कल मैथ्स की क्लास में एमसीक्यूज के लिए रेडी रहना, जो हम सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, ऐसे ही नहीं कि बस मैं सॉल्व करके दिखाता रहूंगा, और अगर किसी ने किसी को कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है आंसर से तो उनको अपना सोल्यूशन मुझे भेजना होगा कि सर हमने ऐसे किया था तो हमारा गलत क्यों है, या हमारा सही है आपका गलत है, जो भी है। जब भी आप, अगेन बोल रहा हूँ, आप कोई डाउट पूछते हो कुछ भी करते हो तो प्लीज अपना सोल्यूशन रेडी रखा करो, सो डैट मैं देख कर बता सकूँ। अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि सर हमको नहीं आता या हमसे नहीं हुआ, मैं उस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, आपको करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो साइंस में आप यहाँ तक का पहले बुक में से पढ़ लोगे, कोई भी ऐसा टिश्यू रह गया है या कोई सेल रह गया है जो मे बी मैंने आपको ना बताया हो बुक में है, बुक एज इन एनसीईआरटी की बुक, प्लीज नो एक्स्ट्रा बुक्स अभी, पहले एनसीईआरटी की बुक, उसके बाद में एक्स्ट्रा बुक्स में से देखेंगे, फाइन? और प्लीज पहले कोर्स पर ध्यान दीजिएगा, बाद में एक्स्ट्रा चीजें कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हो, टाटा बाय बाय, कल मैथ्स की क्लास में मिलेंगे।